सेबी आई लव यू, लिटरली आई लव यू, क्योंकि जो काम आप रिटेल इन्वेस्टर की सेफ्टी के लिए कर रहे हो वो अद्भुत है। एक एग्जांपल से समझते सेबी ने क्या किया। तो मान लो मैंने 3 लोगों से 10-10 रुपए उधार लिए एक महीने के लिए, तो मैंने टोटल 30 रुपए उधार लिए, अब उसमें से 20 रुपए मैंने खर्च कर दिए, तो मेरे पास बचे कितने 10 रुपए। अब अगले महीने मुझे देने 30 रुपए, मेरे पास बचे 10 रुपए, तो मैं दिमाग लगाऊंगा, मैं क्या करूंगा, महीने की पहली तारीख को एक आदमी को उधार चुकता कर दूंगा कि ले भाई तेरे 10 रुपए, और 10 दिन बाद जाऊंगा उसके पास कि भाई देख मैं अच्छा आदमी हूं ना, मुझे वापस से 10 रुपए उधार दे देना, और उसके 10 लेके दूसरे वाले के पास जाऊंगा कि ले भाई तेरी उधारी चुकती होगी, अब उसके पास वापस 10 दिन बाद जाऊंगा कि भाई मैं अच्छा आदमी हूं ना, वापस दे दे मुझे, वापस ले लिए, अब तीसरे वाले को उधार चुकता करूंगा और वापस उससे लेकर पहले वाले को दे दूंगा। अगर मैं ऐसा करता रहूंगा तो तीनों लोग मुझसे खुश हो जाएंगे, बोलेंगे यार ये पैसा उधार लेता है पर दे जरूर देता है, पर अगर तीनों ने मुझसे एक साथ एक ही समय पर पैसे मांग लिए तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरे को जूते पड़ेंगे जूते। सेबी भी सारे ब्रोकर्स को यही बोल रहा है कि जो पैसा लोगों का फालतू पड़ा डीमैट अकाउंट में वो वापस उनके बैंक अकाउंट में डालो। ना 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 ना, एक ही दिन में डालो, अलग अलग दिन नहीं चलेगा। अब जो ब्रोकर हमारे पैसों का मिसयूज कर रहा है, रोलिंग कर रहा है, वो एक साथ इतना सारा पैसा ला ही नहीं पाएगा और पकड़ा जाएगा।